सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर साल 2023 में आई चार फिल्मों की तो टेल कर ले डाली। 22 साल बाद भी रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक करोड़ों की कमाई कर ली है। 22 साल बाद भी लोगों को सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा काफी पसंद आ रही है। दर्शक इस फिल्म का लुत्फ उठाने के लिए सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। यही कारण है कि साल 2001 में आई गदर नई रिलीज होने के बावजूद राजकुमार राव नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकारों की फिल्मों को मूर्त विसर्जन कर बहा डाला है। गदर एक प्रेम कथा ने ये किया दो नहीं बल्कि साल 2023 की चार फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में 10 दिन में कितनी हुई कमाई। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने री रिलीज के बाद पहले चार दिनों में 1.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया। पांचवे दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट आई और फिल्म ने 24 लाख रुपए का कलेक्शन किया। छठे दिन 20 लाख, सातवें दिन 18 लाख, आठवें दिन 15 लाख और नौवें दिन 12 लाख, वहीं दसवें दिन तक आते आते फिल्म का कुल कलेक्शन 2.90 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। चलिए अब आपको उन चार फिल्मों के नाम बता देती हूं जिनको सनी पाजी ने धूल चटाई है। कपिल शर्मा की फिल्म ज्वेली 2 ने 1.5 करोड़, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म जोगीरा सारा रारा ने 1.75 करोड़, राजकुमार राव की फिल्म भीड़ ने 2.03 करोड़ और गांधी घोसे एक युद्ध फिल्म ने 2.40 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। अब जरा गदर फिल्म की अब तक की टोटल कमाई पे नजर डालते हैं। साल 2001 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ 7 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं रिलीज के बाद फिल्म ने 2.90 करोड़ रुपए का कारोबार किया, यानी फिल्म की कुल कमाई 135 करोड़ 50 लाख रुपए तक जा पहुंची है। दोस्तों आपको क्या लगता है, गदर फिल्म का कलेक्शन और ऊपर जा सकता है या नहीं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।